नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान दिवस मनाया जा रहा है, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों हजारों रुपए खर्च किए गए हैं। और एक तरफ दिल्ली के कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर हैं, तो आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसकी खबर आपको हमारे रिपोर्टर मनोज पिंपल जी देंगे। यह है भारत का स्वच्छता अभियान। नरेंद्र मोदी जी ने कल 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहा है, मेरा भारत महान, मेरा भारत स्वच्छता की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मोदी जी का भारत ये स्वच्छ है और किस तरीके से, ये देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इस तरीके से स्वच्छ है पूरा। ये आप देख रहे हैं, ये पूर्वी दिल्ली है जहाँ ये पूरी गंदगी भरमार है। ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ खत्ता डाला जाता हो बहुत बड़े पैमाने पर ढेर हैं। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ मोदी जी, वह मोदी जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद ये कहते हैं कि पूरी दिल्ली क्लीन है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं और मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ तो आप ये देखेंगे कि आगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जो बच्चे जब स्कूल के अंदर आते हैं तो ये आने के बाद में उन्हें ये लगता है कि हम घर ठीक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो स्कूल की जो दीवार है, जो स्कूल की जो खिड़कियाँ हैं जो बिल्कुल इधर की तरफ खुल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इन खिड़कियों को दिखाने जा रहा हूँ। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल दो पालियों में चलता है। एक सुबह लड़कियां पढ़ती हैं, शाम को लड़के पढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इन खिड़कियों के अंदर से जिस तरीके से ये मोदी का स्वच्छता अभियान है, इसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये स्वच्छता ला रहे हैं। इनके मन में स्वच्छता नहीं है तो किस तरीके की स्वच्छता। और मैं दूसरा आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ये स्कूल भी, ये दूसरा स्कूल है जो कि एक जो रोड है उसके दूसरे किनारे पर, इसको बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी, दिल्ली 53 के अंदर आता है। इसकी भी खिड़कियां इधर ही खुली हुई हैं जिधर ये बड़े पैमाने पर गंद है। अभी एक साथी ने आया और रिक्शे में गंद लेके आया और उसने इसको यहीं पटक दिया। इसको ज़रूरत नहीं थी कि इसको थोड़ा सा आगे फेंक देता। एक जो पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरीके से भुखमरी के कारण लोग कबाड़े में से भी अपना रोजगार ढूंढते हैं, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि मेरा भारत महान, इसी को महान कहा जाता है क्या, कि जो कबाड़े के अंदर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने के लिए कबाड़े के अंदर काम करना पड़ता है। जिस स्कूल को अब मैं दिखा रहा हूँ, ये स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल उस्मानपुर दिल्ली 53 के नाम से स्कूल है। ये स्कूल के अंदर भी दो पारियाँ चलती हैं। सुबह के टाइम में लड़कियां पढ़ती हैं, शाम के टाइम में यहां लड़के पढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन खिड़कियों के जो दरवाजे हैं बिल्कुल इस गंदगी तरफ हैं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान की तरफ हैं। आप देख रहे हैं कि यहां जो बच्चे जब आते हैं स्कूल के अंदर, उन्हें अपने आप को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो गंदगी है, यहाँ की जो गंदगी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट यहाँ आके रुक नहीं सकता है। और जिस तरीके से यहाँ गंदगी है, और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये पेट भी कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग एसी के अंदर बैठ के खाना खाया करते हैं, तो यहाँ कुछ मज़दूर अपने पेट की आग बुझाने के लिए, देखो एक गंदगी में ही अपना एक खाना खाने के लिए मजबूर है। और यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस बोर्ड को। इस बोर्ड पे लिखा है श्री मनोज तिवारी सांसद उत्तरी पूर्वी दिल्ली, साहब सिंह चौहान पूर्व विधायक, अब साहब सिंह चौहान शरीर छोड़ चुके हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं, महक सिंह, राजकुमार बल्लन निगम पार्षद एवं समस्त लोगों का। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये महिला भी यहाँ जो काम करती है, सफाई का काम करती है, अब यहाँ खाना खा रही थी इसी इतनी बड़ी गंद के अंदर। ये देखिए, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ कुत्ते जो इस गंदगी से जूझते हुए, और देख रहे हैं कि हमारे काम की भी कोई चीज़ मिल जाए तो उसे बड़े अच्छे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं एक मीट को झकझोर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके का मीट है। और दूसरा मैं ये देख लीजिए आप, भारत स्वच्छ अभियान, आप ये जो लाल वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग की रंग पुताई बहुत अच्छे ढंग से की गई है और इनकी खिड़कियाँ भी आप देख सकते हैं कि मैं
इसमें जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो किस तरीके से है। और जब स्कूल के अंदर स्टूडेंट आते हैं, जब छात्र छात्राएँ आती हैं, तो आप उनका हाल क्या होता होगा ये आप देख रहे हैं। ये स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी गौतमपुरी के नाम से, गौतमपुरी के यहाँ स्कूल दो स्कूल हैं, एक वन एक टू, लेकिन दोनों ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और दोनों ही स्कूलों के अंदर दो पालियां चलती हैं, एक सवेरे लड़कों की, सुबह लड़कियों की पाली चलती है, तो शाम को लड़कों की पाली चलती है।